प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं आपके साथ रंजना रावत। आज हम रिव्यू कर रहे हैं गुल्लक सीजन 2 का। हाल के दिनों में कला प्रेमियों के लिए बैक टू बैक दो बड़ी प्यारी पेशकश आई है, एक राम प्रसाद की तेरहवीं और दूसरी अब गुल्लक 2। दोनों में मिडिल क्लास परिवार की अधूरी हसरतें, मीठी नोकझोंक और गैर इरादतन आपसी कड़वाहटें हैं। गुल्लक 2 में एक कदम आगे बढ़कर परिवार की जिम्मेदारियों से ना भागने वाला मिजाज है। गुल्लक के पहले सीजन की तरह इस सीजन में भी मिडिल क्लास मिश्रा परिवार के इर्द गिर्द किस्सों का ताना बाना बुना गया है। इस बार की कहानी में सब कुछ देखते, सब कुछ समझते मिश्रा परिवार के गुल्लक ने उनकी हसरतों, सपनों, दर्द, रिश्तों की नोकझोंक को बखूबी पेश किया है। कहानी नॉर्थ इंडिया के मिश्रा परिवार की है। घर की हेड शांति मिश्रा है, उनके पति देव संतोष मिश्रा बिजली विभाग के क्लर्क हैं। दो बेटे अन्नू और अमन मिश्रा हैं। एक पड़ोसन बिट्टू की मम्मी भी हैं, जिनके पति देव ने घूस की कमाई से काफी पैसा कमाया है और उन्हें हर रोज ताना सुनना पड़ता है। गुल्लक सीजन 2 की कहानी क्या है? अगर आपने 2019 में इसके पहले सीजन को देखा है तो आपको पता होगा कि ये संतोष मिश्रा के परिवार की कहानी है, एक मिडिल क्लास फैमिली के चार लोगों की। इस सीरीज में 5 एपिसोड है। इसमें मिडिल क्लास परिवार के लाजवाब किस्सों को बहुत रोचकता के साथ पेश किया गया है। संतोष मिश्रा इस बार भी अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान है। इस बार वह सुविधा शुल्क यानी रिश्वत लेने की भी पूरी तैयारी में है, लेकिन फिर रिश्वत के बजाय सीख मिल जाती है। मिडिल क्लास परिवार की कहानी है तो फूफा वाला सीन भी इस बार है, जो शादी के कार्ड में सपरिवार ना लिखा देख बात ईगो पर ले लेते हैं। किटी पार्टी औरतों के लिए क्या होती है, या यह सीरीज ने अपने एक किस्से से बहुत खूबी से बयां करती है। वही दो भाइयों को एक दूसरे से ढेरों शिकायतें हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर वह एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। एक किस्सा ऐसा भी है, सीरीज में पुराने जीवन मूल्य हैं तो एचडी टीवी और एडवांस स्मार्टफोन की चाहत भी है। हर किस्से में रूठना मनाना, चीखना चिल्लाना भी है, लेकिन परिवार का प्यार और अपनापन भी है। कुछ भी बनावटी और अति नाटकीय नहीं है, यह बात इस सीरीज को उम्दा बनाती है। वेब सीरीज देखते हुए यह हमारे घर की और आसपास की कहानी लगती है। हर एपिसोड में किस्सों को कुछ इस तरह से बुना गया है, चेहरे पर वह मुस्कान लाने के साथ साथ कुछ पल दिल में भी उतर जाते हैं। इसके लिए लेखक दुर्गेश सिंह और निर्देशक पलास वासवानी की तारीफ करनी होगी। वन लाइनर्स यादगार है, जिनमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई है। बिजली का बिल बढ़ने पर दिल्ली शिफ्ट होना हो, या बेटे को पढ़ाने की जरूरत हो, या फिर शादी पर रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसों के हिसाब किताब वाले दृश्य के संवाद। अभिनय की बात करें तो जमील खान संतोष मिश्रा के किरदार में पूरी तरह से रच बस गए हैं, तो गीतांजलि कुलकर्णी ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। वैभव राज ने भी इस सीरीज में कॉमेडी के साथ साथ इमोशन को भी बखूबी जिया है। हर्ष अपने सपाट चेहरे के जरिए अपने किरदार को और दिलचस्प बनाते हैं। भाइयों के बीच की नोक झोंक और आत्मीयता वाले दृश्यों को हर्ष और वैभव की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खास बनाती है। सुनीता राजभर ने भी कमाल का अभिनय किया है। वे जब भी स्क्रीन पर आई हैं, मुस्कुराहट बिखेर गई है। बाकी के दूसरे किरदारों ने भी अपनी अपनी भूमिका को बखूबी जिया है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी उम्दा है। कुल मिलाकर यह सीरीज पिछले सीजन की तरह शानदार है। तो तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।